हेलो, वेलकम टू माय चैनल नाइट टेक सॉल्यूशन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद बाबर, और आज की वीडियो में मैं थर्ड फोटो मैनिपुलेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप अपनी या किसी भी पोर्ट्रेट को फोटो मैनिपुलेशन की मदद से इस तरह का बना सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये मैंने वॉलपेपर क्रिएट किया है। अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियो इस तरह की पिक्चर्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा वक्त तो ज्यादा नहीं करते, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो फोटोशॉप में जैसे कि आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा है, आपने जस्ट एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल के लिए आपको जस्ट कंट्रोल एन की मदद से आपने क्रिएट करना है। मैंने चूंकि कैप्चर किया हुआ था एक दफ़ा प्रिंट स्क्रीन की मदद से, सो मेरे पास ये डिटेल्स आ गई हैं। अगर आप लोगों को ना मालूम हो कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है, तो एक दफ़ा अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप फोटोशॉप को कंट्रोल एन की मदद से ओपन करेंगे तो ये विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंशन होगी। मैं जस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ तो मेरे वॉलपेपर का साइज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले अभी मुझे एक फ़ोटो को एडिट करना होगा। इसका भी अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल्स लेनी है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं है, इमेजेस नहीं है, आप इसमें अपने ही इमेज को यूज़ कीजिएगा। अगर आपने फिर भी इमेज लेनी हो तो आप ये इमेज ले लीजिएगा, और ये दोनों इमेजेस मैं आपको दे दूंगा और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर इस इमेज को ले जाता हूँ अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। एक्स्ट्रा एक अलग से फाइल ओपन कर लेते हैं इसकी, और इसका हम बैकग्राउंड अरेज करते हैं। बैकग्राउंड अरेज करने के लिए जस्ट मुझे क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इसके ऊपर काम करना होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। समटाइम्स कुछ एरियाज ये छोड़ देता है, सो जैसे ये देखिए इसने ज़्यादा पकड़ लिया, मैं आर्ट के बाद इसको माइनस कर दूंगा। और अब मैं ज़रा इसको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में चलाऊंगा ताकि मैं इसको कर लूं और वीडियो का टाइम बच जाएगा उससे। ओके, तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ से जाके अब सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक करूँगा और इसके थोड़ी सी हम स्मूथनेस इसमें ऐड कर देते हैं ताकि एजेस इसके ख़त्म हो जाएं। यहाँ से हम स्मूथनेस ऐड करके ओके कर देते हैं, और इसकी बैकग्राउंड को हम अरेज करने के लिए मुझे यहाँ से जस्ट जो हमारा क्लिपिंग मास्क है इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। लेयर मास्क जो है इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो क्लिक करूँगा तो हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। अब इसको मैं जस्ट उठा कर अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ले आता हूँ। यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल टी की मदद से। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ी कम कर लेता हूँ, इसका साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है कि मुझे यहाँ से जो लोगो है ये अरेज करना है, तो यहाँ पर हमारे पास है पैच टूल, इसकी मदद से मैं इसको अरेज करूँगा। तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जस्ट यहाँ से मैं मूव करवाऊँगा तो हमारा ये पैच टूल यहाँ से हमारा वहाँ से जो है लोगो वो ख़त्म हो गया। अब मुझे इसकी सिर्फ जैकेट की सिलेक्शन करनी है। सो जैकेट की सिलेक्शन के लिए मुझे फिर क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसकी अब कोट को कैच करूँगा ताकि इसका मैं कलर चेंज कर सकूँ। तो जस्ट मैं इसको करता हूँ मूव और यहाँ से इसको आल्ट की मदद से मैं डिसलेक्ट करता जाऊँगा और कंट्रोल की मदद से पिक करता चला जाऊँगा। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल के बगैर आल्ट के बगैर जो है ये इस पर ऐड करता जाएगा सिलेक्शन को, और अदरवाइज कैंसिल। तो ये देखिए मैंने कोट में से ये निकाल दूंगा एरिया, यहाँ से इसका फेस भी निकाल देते हैं हम। अब इसके ऊपर हम ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। मुझे यहाँ पर एक लेना होगा सॉलिड कलर। ठीक है, सॉलिड कलर ले लेते हैं, ये वाला रेड, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके ऊपर से जाके मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 80% तक कर लेता हूँ, या आप इसको फिलहाल 100% रहने दें। ठीक है, अब इसके ऊपर से मुझे हैंड को रिमूव करना है, और ये जो बटन्स वगैरह हैं इसको मैं रिमूव करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पर आके क्लिपिंग मास्क के ऊपर आता हूँ और इसको यहाँ पर मैं ब्रश टूल की मदद से ब्लैक कलर की मदद से आप इसे रिमूव करेंगे। अगर वाइट करेंगे तो आप इसके ऊपर ऐड करते चले जाएंगे। तो मैं अभी रिमूव करना, तो मैं ब्लैक की मदद से इसको रिमूव करूँगा। हालांकि मुझे पहले ही हाथ को निकाल देना चाहिए था, जो कि मैं नहीं निकाल पाया, तो अब इसको मैं अरेज की मदद से निकाल लूँगा। मुझे
ओके, तो ये देखें कि हमारी इमेज के ऊपर यानी कि कोट के ऊपर काफ़ी अच्छे से कलर हो चुका है। अब हमने करना है इसकी टाई के ऊपर कलर। तो टाई के ऊपर कलर करने के लिए भी मुझे पहले सिलेक्शन करनी होगी टाई की, और जस्ट मैं टाई को सिलेक्ट करने के लिए भी क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और जो एरिया मुझे चाहिए होगा वो रखूँगा, बाकी को मैं अरेज कर दूँगा। अब ये सिलेक्शन होने के बाद हम यहाँ पे भी कलर सॉरी इसके ऊपर कंट्रोल जी यहाँ पर आकर इसके ऊपर भी मैं कलर लगा दूँगा सॉलिड कलर, और सॉलिड कलर कौन सा होगा वही रेड कलर में हम इसको लगाएंगे एंड ओके। ये लग चुका है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब इसको भी मैं अरेज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करना होगा, ये जो पहले वाला एरिया ये देखिए इसकी शर्ट के ऊपर कलर आ रहा है, तो मैं जस्ट अपनी ब्रश टूल की मदद से इसको भी अरेज़ करूँगा। अब इसकी ये टाई की वजह से भी ये कलर आ रहा है, सॉरी टाई वाले को क्लिक करेंगे लेयर को, और ये इसकी शर्ट के ऊपर से अरेज करेंगे। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे इसकी थोड़ी सी शर्ट के अंदर जो टाई के अंदर ये लाइंस है इसको भी रिमूव करना है, तो मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी टाई के अंदर से भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर थोड़ा सा हमें मुझे डाउट लग रहा है, ये मैं अरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये थोड़े से एजेस के ऊपर आएंगे, ठीक हो गया। अब हम इसके फेस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फेस को हम ये थोड़ा सा नीट करेंगे इसके फेस को। यहाँ पर हमारे पास होगा स्मज टूल, ठीक है, स्मज टूल की मदद से, और यहाँ पे हमें स्मज टूल के अंदर आके ये ब्रश टूल को पकड़ना होगा, और ब्रश टूल का साइज जो है वो हमें कम करना होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, 100 की बजाय हम 20% कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद अब मुझे इसकी बैकग्राउंड पर इमेज लगाना होगा, तो इमेज मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं जस्ट पहले तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, तो मुझे पहले ये अपने दूसरे डेस्कटॉप पे लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा ये, और पैच टूल की मदद से इसको पकड़ेंगे और जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज में से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा फिल्टर लगाना होगा इसके ऊपर, कैमरा रॉ फिल्टर का, ताकि इसकी बैकग्राउंड से थोड़ा सा मुझे ये जो लाइटिंग है थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसको। ये करके इसको ओके कर लेते हैं, और अब इसको ड्रैग करके अपने इमेज में ले आते हैं, इसको बैक पे ले जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इमेज। अब यहाँ पे जो इमेज है इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको बॉर्डर्स आए हुए हैं, वाइट 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 एजेस आए हुए हैं, तो इसको मैं जस्ट ब्रश टूल की मदद से इसको भी हम रिमूव कर देंगे। इसके सारे एजेस से करना है तो हमें एक और काम करना होगा। हम यहाँ पर जस्ट इसको क्लिक करते हैं, ये जो एजेस पकड़े गए हैं इसके अंदर आते हैं, हम सेलेक्ट के अंदर जाके मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं 1 पिक्सल का, इनर आ गया। अब इसके ऊपर अगेन से हम कंट्रोल शिफ्ट आई के मदद से इन्वर्ट करेंगे, और आल्ट के साथ बैकस्पेस आ देंगे, ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे एजेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे इसके ऊपर से। अच्छा जी, ये अब हमारा आ चुका है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है कलर फिल्टर्स वगैरह, तो जस्ट मैं कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई की मदद से ये एक इमेज बना लेता हूँ, और इसके ऊपर अब सबसे पहले जो भी आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है वो कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे इसके ऊपर रा फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेज आ चुका है, आप इसको ये देखिए। ठीक है, हम इसके ऊपर ये टेम्परेचर बढ़ाकर, तो जितनी भी आप इसके ऊपर खूबसूरती लाना चाहें, जहाँ पे आपका माइंड सेटिस्फाई हो, ये ब्राइटनेस आ गई फेस के अंदर, और यहाँ से आप इसके एजेस को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये आ गया, और ओके कर देते हैं। ये हमारा इमेज बन चुका है फाइनली। ये हमारा प्रीवियस इमेज था, ये हमारा अब करंट इमेज है, और यहाँ पर इसी की एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल जे की मदद से। ठीक है, और यहाँ पर एक
लेसो पॉलीगन टूल की मदद से मुझे यहाँ पर एक लाइनिंग डालनी होगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये एक आ गया हमारे पास इमेज, इसको मैं कंट्रोल ज़ीरो से अब अगेंस्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको, और प्लस की मदद से ही मुझे यहाँ पर एक और डालना होगा, बिल्कुल पैरेलल रख कर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मैंने पहले की नस्बत थोड़ा सा डिफरेंट किया है, और अब इस एरियाज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे एरियाज़ डिलीट हो चुके हैं, कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डी सेलेक्ट। अभी मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये हमारे पास लाइनिंग नज़र आ रही होंगी आपको। अब इसको हमने करना है ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट बी से हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लैक एंड वाइट एरिया, एरिया ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसको डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके यहाँ पर आपको स्ट्रोक डालनी होगी। स्ट्रोक में आप कलर देंगे यही वाला, जस्ट मैं यहाँ से कैप्चर कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है, ओके कर लेते हैं। और इसका थोड़ा साइज हम 5 कर देते हैं, ये ले, ये आपकी इमेज एक क्रिएट हो चुकी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लाइनिंग इसके ऊपर डालना चाहते हैं। इसलिए मेरी पिछली बार में जो लाइनिंग थी वो डिफरेंट थी, इस बार में लाइनिंग है वो डिफरेंट है। सिर्फ आपको समझाने का मेन पर्पज़ था, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो वेल एंड गुड। तो इस तरीके से आप अपना पोर्ट्रेट जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको भी आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से, और इसको JPG फॉर्मेट में अपने पास सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा, और ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।